लेट मी स्पेसिफाई वंस अगेन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कल के लेक्चर में हम लोग ने चालू किया था, एंड इन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू एंड बी एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू कोई बता रहा नहीं है मुझे बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू और बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी ओके सो मेनी स्टूडेंट्स बट देन नोबडी इज रिप्लाइंग आई डाउट वेदर यू हैव अंडरस्टूड ऑर नॉट ठीक है सो क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग ने किया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग ने किया था राइट लेट अस प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स लेट अस प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके या क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है यस दिस इज द फर्स्ट टर्म एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला है ओके सो हु डिपेंड्स ऑन हुम हु डिपेंड्स ऑन हुम y depends on x y depends on x okay abhi we will not solve this problem we will not solve this problem they are asking regression equation pooch rahe to kaun sa regression equation tum log now see already 5 minutes are over and some students are still asking ki kaun sa sum hai kya hai koi kya chal raha hai ye sab exercise 3.1 question number 6 Exercise 3.1 question number 6 y is the dependent variable x is the independent variable so y depends on x hint de deta hu main y depends on x okay so which equation of line y on x they are asking y depends on x is given Okay, y on x there asking. अच्छा, I'm not solving this problem. मैं सिर्फ discuss कर रहा हूँ. मुझे एक बात बोलो कि ये problem में तुम लोग shift of origin करोगे कि नहीं करोगे? I don't think so. Shift of origin करने का इतना कुछ जरूरत है. इतना कुछ जरूरत है. और मैंने बोला है कि double digit रहेगा तो shift of origin करने का. Yes, I have said that. But then देखो ना वैल्यूज कितना छोटा है सिंगल सिंगल डिजिट नंबर्स है और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करने के अपने सिलेबस में तो दोनों को करने का सिर्फ एक्स को करने का वाई को नहीं करने का ऐसा नहीं है दोनों को कर देने का अगर करना है तो ओके तो आई रिकमेंड कि ये प्रॉब्लम तुम लोग विदाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर लो इज दैट ओके होमवर्क के लिए कर लेना इज इट फाइन सिक्स का हिंट मैंने आपको दिया है वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इसके लिए वाई डिपेंड्स ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन किस लाइन का नेचुरली इट विल बी लाइन वाई ऑन एक्स राइट और मैंने ये भी बोला है अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन मतलब जो सूटेबल यहाँ पे है ये केस में ये प्रॉब्लम में कौन सा सूटेबल है वाई ऑन एक्स ही सूटेबल है ना क्योंकि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स तो एक्स ऑन वाई क्यों निकालना है राइट एक्स ऑन वाई का इक्वेशन नहीं निकालना है ओनली वाई ऑन एक्स ठीक है तो मैंने ये प्रॉब्लम में ये भी बोला कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मत करो अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम में तुम लोग ने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया तो वो राइट रहेगा कि रॉन्ग रहेगा ये
इट विल बी राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन छोटा नंबर के लिए भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. विल जस्ट प्रोसीड नाउ. What is the square of 18? ये मेरे को मत पूछो प्लीज. या क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करने में टाइम जाने वाला है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, इसके लिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है सो दैट एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. इज दैट ओके? ठीक है. ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस. तुम लोग देख रहे हो क्या, n इक्वल टू 10 दिया है. Ft का स्कोर क्या है? X है. X is Ft score या फिर Ft score equal to X, ऐसा लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज इक्वल टू Y. ओके, कभी भी X और Y अगर प्रॉब्लम में दिया रहता है तो उसको प्लीज मेंशन करने का, ये मैंने आपको पहले से बोल के रखा है. सो दे आर आस्किंग द टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट, और कुछ तो एस्टिमेट करने को बोला. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, लाइन y ऑन x, y माइनस y बार dyx, x माइनस x बार. अभी देखो एग्जाम में ना दो दो लाइन नहीं पूछेंगे. They are asking two regression equations, ना ऐसा दो lines नहीं पूछेंगे. They are not going to ask two lines. They will ask only one line और उससे related estimation. सुना तुम लोग ने बराबर? They will never ask two equations. एक equation पूछेंगे और वो equation से related estimation पूछेंगे. Fine? तो ये problem में मैं line y on x का part solve करूँगा और उससे related estimation solve करूँगा. दूसरा वाला रिग्रेशन इक्वेशन तुम लोग होमवर्क के लिए कर लेना. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर. पहले इतना कॉपी करो. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, आगे बढ़ो. प्रॉब्लम लेंदी है, थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन जरूरी है. Okay, now I'll prepare this table. X or Y, please write down the values, you have it in your question.
ए बता सकता है मुझे क्या है, कैसा कैलकुलेशन रहेगा ए का? 82 प्लस ए का कैलकुलेशन ग्रेटर प्लस स्मॉलर अपॉन टू, बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। लिखेल ए इज इक्वल टू 82 प्लस 48 अपॉन टू, कितना होता है ये 65। ठीक है, तो इसको और अप्रोक्सीमेट करने का जरूरत नहीं है। बी बी का कैलकुलेशन कोई बताएगा मुझे? व्हाट अबाउट बी? व्हाट अबाउट बी? 81 प्लस 85 प्लस 40 अपॉन टू, करेक्ट, 85 इज राइट। ओके, 85 प्लस 40 अपॉन टू 125 अपॉन टू 62.5, व्हिच इज व्हिच कैन बी टेकन एज 62 भी ले सकते हैं, 63 भी ले सकते हैं, तो मैं 62 ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो 62 दो वैल्यूज है टेबल में, y के कॉलम में दो वैल्यूज है ना 62 इसके लिए। इज दिस करेक्ट? चलो, ए और बी अज्यूम्ड मींस, ए एंड बी आर अज्यूम्ड मींस, नो लेट अस गो बैक टू द मेन टेबल। x माइनस ए 60 माइनस 65 माइनस 5, 62 माइनस 65 माइनस 3, 65 माइनस 65 0, ए 65 आ 70 माइनस 65 5, 72 माइनस 65 7, 48 माइनस 65 माइनus 17, 53 माइनस 65 माइनus 12, 73 माइनस 65 दैट इज 8, 65 65 0, 82 माइनस 65 82 माइनस 65 सो दैट इज 17। ओके, so this becomes u, this becomes u, y minus b, okay, 68 minus 62 liya tha humne, okay, 68 minus 62 that is 6, 60 minus 62 62 minus 62, 80 minus 62, that is 18, 85 minus 62, कितना होता है 23, 40 minus 62, कितना होता है 40 minus 62, minus, be careful about the minus sign, okay, minus 22, okay, 52 minus 62 minus 20 0 minus 2 81 minus 62 I think it is 19 if I'm not wrong, minus 10 I'm really sorry for that, ye v hai, okay, U का टोटल V का टोटल बताओ, व्हाट इज U का टोटल एंड V का टोटल? देखो 17 और 17 कैंसिल हो गया, माइनस 5 और 5 कैंसिल हो गया, बराबर है, ओके, सो पॉजिटिव नंबर्स आर 8 7 15, नेगेटिव नंबर सर 15, तो क्या ये आपको जीरो आ रहा है? मुझे तो जीरो आ रहा है, आपको जीरो आ रहा है क्या? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा टास्क है, वी में पॉजिटिव नंबर्स 19 प्लस 6 25 प्लस 18
43 + 23 66 पॉजिटिव नंबर्स का टोटल 66 है, 66 में से माइनस करते जाओ, चलो 66 - 2 64 64 - 10 54 54 - 22 32 - 2 30. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया. सो हाउ 30 अभी गिना है तो मैंने आपको. पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर दो. ग्रीन कलर का पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड करो, येलो कलर का नेगेटिव नंबर है उसको ऐड करो, फिर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करो. इज 30 करेक्ट? इज 30 करेक्ट? पॉजिटिव नंबर्स का टोटल कितना है? पॉजिटिव नंबर्स का टोटल 66 है ना, अभी तो गिना हम लोगों ने 66 है. नेगेटिव नंबर्स का टोटल कितना है? थर्टी सिक्स है. येलो कलर का नेगेटिव नंबर्स है. ओके यू और वी कैलकुलेट कैलकुलेट करो बराबर से उसका टोटल. अच्छा नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई विल फर्स्ट कैलकुलेट यू बार समेशन यू अपॉन एन एंड वी बार समेशन वी अपॉन एन. यू बार कितना है बोलो, चलो समेशन यू अपॉन एन 0/10 राइट, विच इज 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज 0. अच्छे से लिखता हूं मैं. थर्टी अपॉन टेन दिस इज 3. यू बार और वी बार मिल गए मुझे. यू बार और वी बार से क्या मिल सकता है और एडिशनली क्या मिल सकता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? कल हम लोग ने किया था ये, लेकिन थोड़े स्टेप्स के बाद में किया था, मैं अभी पहले करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू इट फर्स्ट. यस वेरी गुड हिट. एक्स बार एंड वाई बार करेक्ट करेक्ट. देखो कॉपी करो ये पहले. Those who are copying, please copy this. थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा आपको. ओके नाउ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. Therefore, u bar is equal to x bar minus a. Okay. Therefore, 0 is equal to x bar minus 65. X bar is equal to 65. Is this correct? V is equal to y minus b. Therefore, v bar is equal to y bar minus b. Therefore, what is v bar? 3 y bar minus 62. Therefore, y bar is equal to 65. Are my calculations correct? Okay.
एक्स बार वाई बार मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप तुम लोग बोलो क्या करना चाहिए। एक्स बार वाई बार यू बार वी बार तो सब जगह पे लगने वाला है, इसके लिए पहले ही कैलकुलेट कर लिया। यस करेक्ट दिया बटन, या यू हैव रिटन करेक्ट, लेकिन उसके पहले मैं क्या लिखूं। यस राइट निखिल, वेरी गुड। नाउ बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू, वेरी गुड, विच इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन यू वी, कोवेरियंस अपॉन ऑफ यू वी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू स्क्वायर वी और यू थोड़ा बराबर से लिखो, समझ में आ जाना चाहिए पेपर पर। इक्वेशन नंबर टू, अभी अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कोवेरियंस बिटवीन यू वी समेशन यू इंटू वी अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी वन, अंडरस्टूड। और कल मैंने बोला था यू बार और वी बार दोनों अगर डिवाइड होता रहेगा तो ही करने का, डेसिमल में आता रहेगा तो फ्रैक्शन में रखने का, बोला था कि नहीं। आज भी डिवाइड हो रहा है दोनों, एक में जीरो आया एक में थ्री आया। नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाओ, जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम, जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम। ओके सो आई विल राइट यू इंटू वी ओवर हियर माइनस 30। एक्स एंड वाई में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, क्यों लिखना है, शिफ्ट ओरिजिन किया है ना हम लोग ने, तो फिर एक्स और वाई में क्यों लिखना है, वो तो एंड में लिखेंगे हम लोग। माइनस 30 6 0 90 23 इंटू 7, मुझे भी नहीं पता, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज 120, दिस इज 0, दिस इज 0, 19 इंटू 70, 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 कितना होता है, 161। ओके थैंक यू। 22 इंटू 17 374। आई होप यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर्स। ओके 17 इंटू 19 17 इंटू 19 323 की 373 ओके तो सब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो, उसमें से 30 को माइनस करो। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन, आई एम सॉरी आई कैन नॉट टीच यू दैट ना, इन स्टैंडर्ड 12th में आई कैन नॉट टीच यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब मैं नहीं सिखा सकता। चलो यू वी का टोटल निकालो, यू इंटू वी का टोटल निकालो, yes guys don't make any mistakes at any cost। waiting for your answer on u into v 1044 is that correct, do teen student ne mujhe yahi answer bataya। बराबर है, चलो लिख लेते 1044 अपॉन 10 माइनस 0 इंटू 3, सो दिस इज 1044 अपॉन 10, डिवाइड मत करना प्लीज।
आई ऑल्सो नो दिस कैन बी रिटन एज 104.4, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत करो. फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार स्क्वायर, समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार स्क्वायर. किसका कॉलम बनाना पड़ेगा? कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? U स्क्वायर 25, 9, 0, 25, 49, 289, 144, 64, 0, 289. बराबर लिखा है मैंने? Have I copied the values correctly? Sorry, have I written it correctly? स्क्वायर बराबर है ना सबका? चलो बोलो इसका आंसर क्या है. कम ऑन टेल मी. यस निखिल, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? सम स्टूडेंट्स हैव नेवर चोजन टू रिस्पॉन्ड, दे हैव टेकन एन ओथ कि सर को रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है. बट देन ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो दिस इज 894 अपॉन 10, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 894 अपॉन 10. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, डोंट आस्क व्हाई. आपको पता है ना स्क्वेयरिंग क्यों करना है कि नहीं? फिर टू गेट सिग्मा यू स्क्वायर, वेरी गुड. हम लोग तीन दिन से यही कर रहे हैं. इफ यू ऑब्जर्व, यही मेथड फॉलो कर रहे हैं. दिस इज द थर्ड लेक्चर. है कि नहीं? या सो अभी क्या करूंगा मैं? कम ऑन टेल मी. फ्रॉम टू, वेरी गुड. फ्रॉम टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू 1044 अपॉन 10, 894 अपॉन 10, 10 और 10 कैंसल, 1044 अपॉन 894, विच इज इक्वल टू 522 अपॉन 447. बराबर है क्या? 3 से डिविजिबल है क्या ये? इज दिस डिविजिबल बाय 3? दोनों ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर या नीचे, दोनों जगह पे रहना चाहिए ना. हाँ तो 522 डिवाइड बाय 3 कितना आता है? डिविजिबल बाय 3 है ना दोनों. चलो बोलो मुझे, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 सबको मालूम रहना चाहिए. जिसको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 पता नहीं है, मुझे अपना नाम दे दो, 8 स्टैंडर्ड के बैच में बिठा दूंगा. अध्ययन ट्यूटोरियल्स स्कूल सेक्शन. अभी किससे डिविजिबल नहीं है ये? आई डोंट थिंक सो इट इज डिविजिबल बाय एनीथिंग नाउ, इज इट? चलो डिवाइड करो. थोड़ा रिड्यूस किया हम लोग ने, 894 से रिड्यूस करने से अच्छा 149 से डिवाइड कर लेता हूँ. 894 से डिवाइड करने से अच्छा 149 से डिवाइड कर लेता हूँ. बोलो 1.1
1.167 ऐसा कुछ तो आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.17, दो डिजिट तक रख लेते हैं, डिवाइड किया ना इसके लिए। अभी क्या करूंगा मैं, तुम लोग बोलो, यू टेल मी व्हाट एम आई सपोज टू डू फ्रॉम वन। वेरी गुड, आर यू फाइंडिंग द स्टेप्स ऑफ दिस टेबुलर फॉर्मेट, सम्स क्वाइट मैकेनिकल। मैंने जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया उसके हिसाब से आप चल रहे हो, ओके? तो पूरा सिलेबस में आपको यही करने का, मेरा इंस्ट्रक्शंस को बराबर से फॉलो करने का, दैट्स इट, ओके? वाई माइनस वाई बार, वाई बार कितना है? 65, ओके? 1.17 x माइनस 65। कैलकुलेशन एरर मत करना प्लीज, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्वाइट सिंपल। 117 इंटू 65, चलो जल्दी जल्दी। हंड्रेड प्लस 10 प्लस 7 इंटू 65, ऐसे भी कर सकते हो, 100 प्लस 650, 65 इंटू 7 कितना होता है वो लिखो यहाँ पे, अदरवाइज जस्ट मल्टीप्लाई, कितना आएगा यहाँ पे बोलो? 76.05। लेट अस वेरीफाई द आंसर्स फ्रॉम other students as well. Is it 76.05? Okay. 65, minus 65 को right hand side पे लेके जाता हूँ मैं। चलो copy करो, those who are copying this, please copy this. इसका हो गया, वो लोग आगे बढ़ो। ओके, सो y इज इक्वल टू 1.17x माइनस 76.05 प्लस 65, ओके? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, माइनस प्लस एन सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव साइन, बोलो कितना आएगा? 11.05। मैडम आपने तो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करने का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर नंबर साइन, माइनस कितना? 11.05, ओके? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन y ऑन x, ओके? अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर इज 95, सो व्हाट इज 95? एक्स की वाई, स्कोर वो स्कोर है, एप्टीट्यूड स्कोर, टेस्ट स्कोर एक ही चीज है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम। वाई फाइंड आउट करने के, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स चाहिए मुझे, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, यूज लाइन y on x,
यूज लाइन वायोनिक्स y minus, oh sorry, already we have that line. Y is equal to 1.17x minus 11.05. इसमें x का वैल्यू कितना डालने का? 95. चलो कैलकुलेट करूं. अभी ये तो आना चाहिए. I require 100% right answers. हंड्रेड पॉइंट वन जीरो ऐसा कुछ आ रहा है कि हंड्रेड पॉइंट वन और हंड्रेड पॉइंट वन जीरो इज वन एंड द सेम सो बोथ आर राइट. हंड्रेड पॉइंट वन जीरो इज राइट. हंड्रेड पॉइंट वन इज ऑल्सो राइट. ओके सो वाई इज इक्वल टू हंड्रेड पॉइंट वन जीरो. देयरफॉर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स is equal to 100.10. Okay. Second part of the problem. Line x on y, or usse related estimation. Homework. वो घर पे कर लेना. दो दो equation पूछा है ना हम लोग ने. सिर्फ y on x निकाला था और उससे related estimation किया है. X on y हम लोग ने नहीं किया है. X on y तुम लोग घर पे कर लो. उससे अच्छा मैं और एक प्रॉब्लम सिखा देता हूँ. हाँ, x on y में u बार v बार x बार y बार तो सेम रहेगा. bxy आएगा. bxy is equal to buv. buv is equal to covariance of uv upon standard deviation of v square. तो v square का कॉलम बनाना पड़ेगा. कोवेरियंस तो अपने पास ऑलरेडी है. सेम नंबर सेम रहेगा ना. वो सब आप देख लो कैलकुलेट करने के टाइम पे. सो यू बार वी बार एक्स बार वाई बार एंड कोवेरियंस वी डोंट हैव टू कैलकुलेट वंस अगेन. वी ऑलरेडी हैव इट. ठीक है. अंडरस्टूड. ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विथ रिगार्ड्स टू दिस प्रॉब्लम. Let us go to question number 7. टेक्सबुक का तो बहुत सारा आंसर्स रॉन्ग है. डोंट बिलीव. क्वेश्चन नंबर 7. ओके. इको क्या है? इको एक्स है और मैथमेटिक्स क्या है? वाई है. एन कितना है? फाइव है. दे आर आस्किंग लाइन वाई ऑन एक्स. वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. इक्वेशन नंबर वन. Equation number one.
शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करना है कि नहीं करना है। कर लेते हैं, लेट अस डू दैट। डबल डिजिट वैल्यूज है सब, एक्स वाई, आई विल रिक्वायर योर हेल्प। 59, 60, 61, 62, 63 और यहाँ पे 78, 82, 79, 81 ए। लास्ट मिनट अभी वो लास्ट स्लाइड अभी आप देख लो, खुद से कर लो। एक्स लिखा इकोनॉमिक्स, वाई लिखा मैथमेटिक्स, लाइन वाई ऑन एक्स, और उसका इक्वेशन ही तो लिखा है, और क्या लिखा है मेरे लास्ट स्लाइड। 63 + 59/2 कितना होता है ये? 61, फिर 82 + कितना? 78 upon 2, this is equal to 80. This is equal to 80. X minus A, Y minus B. ओके चलो चालू कर दे। -2, -1, 0, 1 and 2 आंसर इज 0 टोटल। -2, 2, -3 and 1 बराबर है क्या? Is this zero? ये भी zero आ रहा है क्या? ठीक है? So these are U and V. These are U and V. Second one क्या? -1. हाँ 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 -1 आएगा। राइट, आई एम रियली सॉरी, मैंने 79 - 82 कर दिया। बोलो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर 2 आएगा। यस टेल मी, U into V. -4, -2, 0, -1, 2 इसका आंसर 3। ओके चलो आगे देख लेते हैं, बहुत आगे चले गए हम लोग। ए और बी तो हम लोग ने कैलकुलेट किया, अभी यू बार एंड वी बार कैलकुलेट करते हैं। ओके फर्स्ट कैलकुलेट यू बार एंड वी बार। समेशन यू अपॉन एन, वी बार समेशन वी अपॉन एन।
ओके सो दिस इज 2 अपॉन 5 एंड दिस इज 0 अपॉन 5 लेकिन यहां पे तो 0 है तो डिवाइड कर लेते 0 आएगा ना इसके लिए डिवाइड कर रहा हूं मैं तो नहीं करता था 1 अपॉन 5 रहता था तो नहीं डिवाइड करता था अंडरस्टूड ये सुनो ओके नाउ u इज इक्वल टू x माइनस a u बार इज इक्वल टू x बार माइनस a 0 इज इक्वल टू x बार माइनस 61 x बार इक्वल टू 61 v बार इज इक्वल टू सॉरी b इज इक्वल टू y माइनस b therefore v bar is equal to y bar minus b therefore 2 is equal to y bar minus 80 y bar is equal to 82 अच्छा 2 अपॉन 5 है क्या वो सॉरी y बार कितना आएगा 2 अपॉन 5 0.4 रहता है तो 80.4 आई गॉट y बार इज 80.4 चलो कोई इतना कॉपी करो कम ऑन u बार v बार x बार y बार जल्दी से कॉपी करके ले लेगा व्हेन यू आर सॉल्विंग इसको फटाफट सॉल्व करके ले लेगा चलिए बोलिए हैव यू अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट स्टेप बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी ए कोवेरियंस बिटवीन यू एंड वी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू स्क्वायर equation number 2 covariance between u and v summation u v upon n minus u bar v bar u v ka total kitna aaya tha hum log ne kiya hai na calculate pehle hi hum log ne kar diya calculate 3 upon 5 0 into 2 by 5 this is 3 upon 5 ओके आंसर आएगा इसका 3 अपॉन 5 ओके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u समेशन u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार स्क्वायर कौन सा कॉलम बनाऊं मैं यू स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगा मैं शुड आई क्रिएट द कॉलम कर लेते हैं u square 41014 that is 10
41014, that is 10. Okay, so this is 10 upon 5. ओके अभी क्या करोगे आप लोग बोलो. फ्रॉम टू करेक्ट. फ्रॉम टू बीवाई एक्स इज इक्वल टू बीवीयू इज इक्वल टू 3 upon 5 upon 10 upon 5 कैंसल 3 upon 10 विच इज 0.3 इज बीवाई एक्स इज इक्वल टू 0.3. BYX is equal to 0.3. Can you put it in equation 1 and calculate the equation? I'm not solving. Tum log kar sakte ho? BYX होने के बाद में इक्वेशन कैलकुलेट करो. BYX 0.3 वो तो इजी है. इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. मेनी स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग विद 0.3x प्लस 62.1. सो आई थिंक अगर सब लोग वही रिप्लाई कर रहे हैं मतलब वो राइट आंसर रहेगा. जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस 62.1. ओके तो ये एक्सरसाइज का सब प्रॉब्लम्स देख लो, जो नहीं किए हो तुम लोग कर लो. आई हैव टॉट यू विद शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड विदाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एज वेल. ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का 12th प्रॉब्लम देखो. 12th प्रॉब्लम देखो. क्या मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करूंगा? ये देखो y का डबल डिजिट वैल्यूज है तो कर लेने का. दोनों के लिए कर लो, x के लिए भी कर लो y के लिए भी कर लो. इज दैट ओके? 12th प्रॉब्लम में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दोनों के लिए कर लो. ओके Now I'll take a special case. दोनों मतलब अरे भाई अभी भी तो दोनों के लिए हम लोग कर रहे थे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. एक्स के लिए भी कर रहे थे, वाई के लिए भी कर रहे थे. दोनों के लिए किया ना शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, सिर्फ एक्स के लिए किया, वाई के लिए भी तो किया ना. तो मैं बोल रहा था कि एक्स का वैल्यूज 12th प्रॉब्लम में छोटा है लेकिन उसके लिए भी कर लो क्योंकि वाई के लिए हम लोग करने ही वाले. और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम के लिए भी करेंगे ना हम लोग, तो कुछ गलत नहीं है उसमें. वी कैन अप्लाई शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इन एनी डैम प्रॉब्लम. ओके मिसलिनियस का
फोर्थ का फर्स्ट प्रॉब्लम, मिसलिनियस का फोर्थ का फर्स्ट प्रॉब्लम. आई विल सॉल्व दिस यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. इसका आंसर वेट, यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, ऑलरेडी उसका डिस्कशन खत्म हो गया, कैलकुलेशन इधर किया रहेगा. या सॉल्व द फॉलोइंग का फर्स्ट प्रॉब्लम. आर यू चेकिंग दिस प्रॉब्लम? सॉल्व द फॉलोइंग का फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड, वाई का वैल्यूज में ना डबल डबल डिजिट है, बहुत सारा डबल डबल डिजिट है. इट इज गोइंग टू मेक माई लाइफ डिफिकल्ट. उससे अच्छा मैं क्या कर लूंगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर ही डालूंगा. चॉइस इज योर्स. अगर नहीं करना है तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हर एक प्रॉब्लम में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते. डबल ट्रिपल डिजिट पे भी तुम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नहीं भी अप्लाई कर सकते, लेकिन तुम लोग का टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा. इज दैट ओके? नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. We have almost covered 95% of the chapter. ये दो तीन चीज बता लेता हूँ. Okay. Now pay attention very clearly. ये बहुत ही important चीज मैं बताने वाला हूँ. इसके ऊपर कोई problem नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ. अगर x का data ऐसा है 50, 55, 60, 65, 70, और y का data ऐसा है 120, 130, 140, 145, 155. Okay? So x minus a, y minus b. A क्या रहेगा? A. A क्या रहेगा? जल्दी बताओ. चलो. A रहेगा 10. ऐसे कैसे 10? 70 प्लस 50 अपॉन 2 ना, 20 कैसे रहेगा? ये 60. What will be b? सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो. तुम लोगों का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन बहुत हॉरिबल है यार. 155 प्लस 120 दैट इज 275 डिवाइडेड बाय 2. 275 डिवाइडेड बाय 2 137.5. ओके, तो मैं यहाँ पे बी को है ना, बी को देखो एंड में जीरो है और फाइव है, तो मैं यहाँ पे बी को क्या लू? बोलो. 137 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 137 भी ले सकता हूँ, लेकिन एंड में जीरो या फाइव है, तो कौन सा नंबर बेटर रहेगा? आई कैन टेक 135 या फिर 140 भी ले सकता हूँ. 138 मत लो, क्योंकि एंड में जीरो और फाइव है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड में जीरो और फाइव है, तो एंड में जीरो और फाइव ही रख दो. ओके, सो आई टेक 140. ओके, एंड में जीरो और फाइव है, इसके लिए ऐसे किया मैंने. एक्स माइनस ए, 50 माइनस 60 माइनस 10, 55 minus 60 minus 5, 60 minus 60 0, 65 minus 60 that is 5, 70 minus 60 that is 10, 120 minus 140 minus 20, 130 minus 140 minus 10, 0, 5, 15. Okay. क्या ये नंबर्स को मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं? ये नंबर्स को मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं. कैसे? नाउ बाय डिवीजन.
138 मत लो, मैंने बोला ना वापिस 138 के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हो। मैंने क्या बोला, एंड में 0 और 5 है तो एंड में 0 और 5 ही रखो ना, तो 138 क्यों ले रहे हो। सो x माइनस ए अपॉन 5 y माइनस बी अपॉन 5, दोनों को 5 से डिवाइड करता हूं, दोनों डिविजिबल है 5 से। ओके इसको और छोटा कर रहा हूं ये वैल्यूज को मैं, राइट। सो दिस इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 1 3। ओके तो मैंने ये जो नंबर से डिवाइड किया, ये नंबर से डिवाइड किया तो डिवीजन को क्या बोलते हैं, कोई बहुत बता सकते हैं? मैंने आपको सिखाया 11th स्टैंडर्ड में, I've taught you this in 11th standard. Change in scale, या फिर change of scale. Change in scale बोलते हैं इसको, change in scale. So this is, ये value होगा C, और ये value होगा D. Understood? So C is 5, and D is 5. Okay? ये problem तुम लोग का syllabus में नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा MCQs है इसके लिए। सो माय U एंड V विल बी व्हाट, X माइनस A अपॉन C, Y माइनस B अपॉन D। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझा क्या? ओके तो ये प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी किया है और क्या किया, चेंज इन स्केल भी किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो एक्स माइनस ए के नीचे सी रहता है सी, और वाई माइनस बी के नीचे डी रहता है डी। इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर? ये जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। चलो प्रीवियस सम का डिस्कशन हो गया सानिया, नाउ डोंट प्लीज ब्रिंग दैट सम इनटू पिक्चर। वो सम के रिलेटेड ए बी सी डी से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सब कुछ क्लियर किया है, आपको आंसर भी राइट आया, देन व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक इट डाउन फर्दर? जो जो चीज अभी चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, नहीं तो फिर इसमें भी डाउट आएगा, वो फिर आप नेक्स्ट सम में पूछोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग वेरी स्लो, आई गिव यू टाइम टू कॉपी आल्सो एवरीवन, जल्दी कॉपी करो ये। चलो मुझे और भी कुछ बताना है। ए सी का मतलब चेंज इन स्केल नहीं है रे बाबा, जब भी सी और डी से डिवीजन होते हैं उसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। सी मतलब चेंज इन स्केल, ए मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ऐसे थोड़ी होता है ए बी सी डी। एक्स माइनस ए वाई माइनस बी करेंगे तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं उसको, और एक्स माइनस ए को जब भी सी कोई भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर को हम लोग सी बोलते हैं, वाई माइनस बी को कोई भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर को हम लोग बी बोलते हैं, तो जब भी आगे जाके हम लोग डिवाइड भी करते हैं उसको चेंज इन स्केल बोलते हैं। वो सी और डी के जगह पे तुम लोग एच और के भी ले सकते हो, पी और क्यू भी ले सकते हो, जो तुम लोग को अच्छा वेरिएबल लगता है वो सिर्फ ले सकते हो, अल्फा बीटा भी ले सकते हो। इज दैट ओके? कॉन्सेप्ट को समझो, माइनस करूंगा तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, डिवीजन करूंगा तो चेंज इन स्केल। अगर हो गया तुम लोग का कॉपी करके तो प्लीज मुझे बता देना। ओके
ओके अभी एक नोट लिख के देता हूँ, हैव यू कॉपीड दिस, प्लीज टेल मी, दिस इज एन एग्जांपल, वी आर नॉट सॉल्विंग एंटायरली, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है. और देखो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ कि ये बी को मैंने 140 क्यों लिया, 137.5 आ रहा था, तो मैं 137 भी ले सकता हूँ, 138 भी ले सकता हूँ, लेकिन वाई का वैल्यूज देखो एंड में 0 या 5 है, तो मैं ऐसा नंबर लूंगा विच इज डिविजिबल बाय 0, विच इज डिविजिबल बाय 5. एंड में 0 या 5 कभी आता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, तो मैं 140 भी ले सकता हूँ, 135 भी ले सकता हूँ, लेकिन 137, 138 तुम लोग को लेने का है तो ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Have you understood this? Okay, now let us write a note. Let us write a note. Okay. If u is equal to x minus a upon c, v is equal to y minus b upon d. तो जब भी change in scale होता है ना, तो b y x का एक formula बनता है. b y x is equal to d upon c b v. ये कभी आता है? Only when there is change in scale. Shift of origin के लिए formula नहीं है ये. Shift of origin में b y x is equal to b v u है. क्योंकि उसमें c और d रहता ही नहीं है. Have you understood this? Second, BXY, C upon D, BUV. Okay. Have you copied this? So go to miscellaneous exercise 3. Miscellaneous exercise 3 में question number 1 का 13 and 14 is covered up. 1 का 13 and 14. Is that correct? Is that correct? Okay. Question number 17 pending hai. Question number 17. Iske piche bahut bada theory hai. I am not going to explain everything. Pehle bol ke rakhta hu. Question number 17 के पीछे there is something which needs to be explained quite extensively. लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, ये लेवल पे तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है उसका. Correlation, CORR मतलब correlation, COV मतलब covariance, CORR मतलब R. Okay? Correlation between x minus a upon c, y minus b upon d. ये negative बन गया. This became negative. Okay, this became negative. Since C and D have same sign, have opposite sign, sorry. Have opposite sign. मतलब अगर C positive number रहेगा तो D negative रहेगा, और अगर C negative रहेगा तो D positive रहेगा. इसके लिए यहाँ पे minus sign आया. समझा क्या आपको? इसके लिए मुझे आपको एक पूरा सम सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, विच आई डोंट वॉन्ट टू. यू जस्ट रिमेंबर दिस. क्या बोला मैंने? ये नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि सी एंड डी हैव
अपोजिट साइन, सी एंड डी हैव अपोजिट साइन, राइट? हैव यू कॉपीड दिस मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 का 17th प्रॉब्लम? ओके, जल्दी कॉपी करो प्लीज. CORR मतलब कोरिलेशन, मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, तो मैं तुम लोग को एक चीज पूछता हूं, अभी कोरिलेशन, दिस इज एडिशनल विच आई एम टेलिंग यू, बिटवीन एक्स माइनस ए अपॉन सी, वाई माइनस बी अपॉन डी इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई. ये कभी होगा? यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं है, यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है, कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है. ये कभी होगा? व्हेन सी एंड डी हैव, when c and d have same sign, correct, same sign, मतलब दोनों पॉजिटिव रहेगा या दोनों नेगेटिव रहेगा. तो ये जो चीज मैंने अभी डिस्कस किया है, इसको आप सिर्फ MCQs के लिए ही याद रखना, क्योंकि ये किधर भी अपने प्रॉब्लम्स में ऑकर नहीं हुआ है. सबसे पहली बात तो चेंज इन स्केल का प्रॉब्लम ही नहीं है अपनी टेक्स्ट बुक में. Is that okay? ठीक है, fill in the blanks में क्या बचा है? Fill in the blanks में कौन सा क्वेश्चन बचा है? ये सब कुछ हो गया. सिक्स और सेवन अभी तुम लोग कर सकते हो खुद से. फिफ्थ का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूं मैं. देर आर ओनली 10 क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स, सिक्स्थ और सेवेंथ यू कैन डू इट ऑन योर ओन. और फिफ्थ क्वेश्चन, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड इट्स नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन. फिल इन द ब्लैंक्स का फिफ्थ क्वेश्चन, माइनस वन. सिक्स और सेवन तुम लोग खुद से कर सकते हो. ये सुनो, ठीक है? अच्छा, MCQs का 12th प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 12th प्रॉब्लम. ओके, BXY एंड BYX दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल B, क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जब भी करते हैं, जब भी हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करते हैं, V राइट BYX इज इक्वल टू BVU, बराबर है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए SOO मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए BYX इज इक्वल टू BVU. तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का BYX के ऊपर? इज BYX चेंजिंग? जो BVU रहेगा वही BYX रहेगा. ओके, लेकिन जब भी चेंज इन स्केल करते हैं, चेंज इन स्केल, व्हाट इज BYX, व्हाट इज BYX, डी अपॉन सी, BVU, डी अपॉन सी, BVU. सो डोंट यू फील कि चेंज ऑफ स्केल या चेंज इन स्केल अफेक्ट्स BYX? Change in scale affects BYX. Yes. तो इसका आंसर क्या रहेगा? B रहेगा. It is independent. मतलब it does not affect change of origin does not affect BYX and BXY. But then change of scale affects. It is independent of change of origin, but not. It is not independent of change in scale. ठीक है?
Have you understood this? टेक्सबुक में बहुत सारा आंसर्स रॉन्ग है. यू कैन रेफर द डाइजेस्ट. ट्रू और फॉल्स में क्या पेंडिंग है? ट्रू और फॉल्स में क्या पेंडिंग है कि हो गया है सब कुछ? अच्छा, ट्रू और फॉल्स इज नॉट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट वन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, CORR, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड एक्स इज वन. बराबर है. व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन माइनस एक्स एंड एक्स? माइनस वन. एंड व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड माइनस एक्स? माइनस वन. And what is correlation coefficient between minus x and minus x? Plus one. तो जब भी plus plus रहेगा तभी plus रहेगा, minus minus रहेगा तभी plus रहेगा. एक plus एक minus रहेगा तो negative हो जाएगा. Okay? तो first वाला is true. Second one false. Third one true. Fourth one true. Correlation coefficient between x and y is same as correlation coefficient between y and x. Okay, byx and bxy are independent of change of origin and scale. True है कि false है? दोनों से independent है? नहीं, it is independent only of shift of origin. It is independent only of shift of origin. लेकिन change in scale जब भी करते हैं तो it is not independent. Changes आ जाता है byx में और bxy में भी change आएगा. Sixth question, R is the regression coefficient of y on x. R is the regression coefficient of y on x. R तो correlation coefficient है ना, regression coefficient किधर जाए? कौन से? Seventh one, byx क्या है? Regression coefficient of x and of y on x. इन लोगों ने तो correlation coefficient दिया, wrong है, false. Question number 8, u is equal to x minus a, v is equal to y minus b, vxy is equal to buv. Is this true? Yes, it is only shift of origin, hence it is true. Question number 9, shift of origin kiya, rxy is equal to ruv, correct. Ye last year ka problem hai, 11th standard ka. Shift of origin ka r ke upar koi impact nahi girta. R सेम रहते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करो या चेंज इन स्केल करो, R के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के ऊपर प्रॉब्लम होता है. ये देखो, मैंने इधर ही लिख के रखा है. या एक नोट लिखा था मैंने, 10th प्रॉब्लम तुम लोग को ट्रू है, 10th प्रॉब्लम का आंसर ट्रू है, लेकिन इसका एक नोट भी मैंने तुम लोग को लिख के दिया था. व्हेन AX + BY + C = 0 इज Y on X, देन dyx is equal to slope of the line. लिखा था कि नहीं? When a line is given to you, ax plus by plus c, तो byx क्या रहता है? Slope रहता है. और अगर ax plus by plus c equal to 0 is x on y, so what is bxy? bxy क्या है? Slope की one upon slope. One upon slope. So have you understood all these things? ये सब clarifications आपको समझ में आया क्या? ओके, वो 3.1 में समेशन वी का आंसर क्या था वो अभी आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है उसका आंसर. एमसीक्यू नंबर 22.
एमसीक्यू नंबर 22। अरे तो कोवेरियंस का फॉर्मूला है ना, ये तो हो गया है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई बोथ सी एंड डी, बी एंड सी, सॉरी आंसर इज डी। ओके अभी 3.2 का सेकेंड प्रॉब्लम। थ्री पॉइंट टू का सेकेंड प्रॉब्लम नहीं किया हम लोगों ने, सेकेंड या थर्ड कोई तो नहीं किया हम लोगों ने। हाँ थर्ड इज पेंडिंग, करेक्ट। थ्री पॉइंट टू प्रॉब्लम नंबर थ्री इज पेंडिंग। अरे मैडम फोर्थ वाला प्रॉब्लम किया है मैंने, आप बोल रहे हो फोर्थ नहीं किया, फोर्थ तो कर दिया है मैंने। ओके नाउ आई टेक अ लुक, इफ आई टेक अ लुक एट द टाइम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये प्रॉब्लम कवर अप करने के लिए। सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज पेंडिंग राइट नाउ, 3.2 का थर्ड। सो नेक्स्ट टाइम लिसन टू माय प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहला मैं इंडेक्स नंबर्स चालू करेगा, देयर इज अ चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर्स मैथमेटिक्स 2। ओके आई विल स्टार्ट विद दैट चैप्टर। और वो लेक्चर के एंड में, इंडेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर के एंड में ये जो रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है ना, एक जो बचे वो सॉल्व करूंगा, बट देन नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मैं इंडेक्स नंबर चालू करूंगा। इन माय कॉलेज इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज इज डन। तो कॉलेज का तो अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि कॉलेज में तो आई डोंट थिंक सो इतना डेप्थ में पढ़ाते रहेंगे, आई डोंट थिंक सो दे कवर ऑल द प्रॉब्लम्स। 3.1 का 12th इज फॉर होमवर्क, करेक्ट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करने के। मिसलेनियस का भी 4th का 1st इज फॉर होमवर्क। अभी रिग्रेशन में एक ही प्रॉब्लम करूंगा मैं, बाकी पूछो भी मत, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने। टाइम सीरीज अभी नहीं सिखाऊंगा, पहले इंडेक्स नंबर्स खत्म करूंगा। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू in the next class, we'll start with index numbers and then we'll complete that problem from regression. Okay, bye.